हेलो दोस्तों, अगर आप भी यूट्यूब पे जल्दी से जल्दी ग्रो करना चाहते हैं और कम समय में अगर आप अपना चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज करवाना चाहते हैं तो आपको कैसे क्या क्या करना है वो सारी जानकारी हम आज के इस वीडियो में बताएंगे, जिससे आपका चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाएगा और आपका वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आएगा और आप जल्दी से जल्दी अपना चैनल मोनेटाइज कर पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि क्या क्या कर। दोस्तों, यूट्यूब का सेटिंग तो आप लोगों को करते आना ही होगा, यानी कि क्रोम ब्राउजर का जितना भी सेटिंग होता है वो आप लोग जानते हैं। उसके बाद आपको वीडियो कैसे अपलोड करना है वो भी जानते हैं। अब बात यहाँ पे आता है कि वीडियो को पब्लिक कैसे करें। जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसे अनलिस्टेड करके अपलोड करते हैं, लेकिन पब्लिक कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या क्या सेटिंग करना चाहिए वही हम आज के इस वीडियो में बताएंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आएगा और चैनल पर जल्दी से जल्दी चैनल पर जो है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कम्प्लीट होगा और चैनल मोनेटाइज कर लेंगे। तो गाइज, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आएगा। तो इसके लिए हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि आपको YT स्टूडियो ओपन कर लेना है। YT स्टूडियो ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एनालिटिक्स पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको रिसर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है वो हम बताते हैं। अभी यहाँ पे आ जाने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आप अपने चैनल पर एक कैटेगरी का वीडियो अपलोड कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो रिसर्च पे क्लिक करने के बाद टॉप सर्च से जो मिल रहा है ऑप्शन और यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि हमारा टेक्निकल का था, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू अपलोड शॉर्ट वीडियो ऑन यूट्यूब 2023, यानी कि 2023 का इसमें अभी बता रहा है, तो अब कुछ में यहाँ पे 24 का बताने लगेगा। तो सेम इसी प्रकार से जो है आपका जो है कुछ अलग होगा, सबका कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग रहता है। तो यहाँ पे जिस कैटेगरी से रिलेटेड अगर आपका लिखा होगा, आप जिस कैटेगरी के वीडियो बनाते होंगे उसी कैटेगरी से रिलेटेड यहाँ पे लिखा होगा। अगर इस टॉपिक पे अगर आप वीडियो बनाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज मिलेगा आपको, और इस टॉपिक पे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएंगे तो आपको अच्छा कॉन्टेंट और अच्छा बनाना पड़ेगा, तो और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज मिलेगा आपको और जल्दी से जल्दी यूट्यूब पर आपको सफलता मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब बताते हैं कि वीडियो को पब्लिक कब करना है और कैसे करना है, उसमें क्या क्या ज़रूरत है वही हम आज के वीडियो में और आगे बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि टाइटल आता है लगाने के लिए और थंबनेल तो आप अपने हिसाब से बनाएंगे, तो थंबनेल अच्छा होना चाहिए जो कि लोग देखें और क्लिक कर दें। उसके बाद आपको हम बता दें कि आपको टाइटल लगाना है, तो टाइटल तो वही लगा देना है जो हम लोग को टॉप यूट्यूब सिस्टम में YT स्टूडियो में मिलता है, जो कि कुछ इस प्रकार से रहता है। उसके बाद आपको हम बता दें कि वीडियो वायरल करने के लिए टैग और डिस्क्रिप्शन भी होना जरूरत होता है, और बेस्ट जो होता है वो टाइटल होता है, क्योंकि टाइटल जहाँ पे सर्च किया जाता है और आपका टाइटल से मिलता जुलता अगर सर्च रहता है तो वहाँ पे आपका भी वीडियो भेजा जाएगा। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि टाइटल जो है सो YT स्टूडियो में से डाल देना है और जो टॉपिक रहेगा वही आपको डाल देना है। उसके बाद आपको हम बता दें कि बेस्ट तरीका क्या होगा आपको डिस्क्रिप्शन और टैग के लिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आएगा। तो इसके लिए हमको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र पर जाके और एक वेबसाइट है जिसका नाम है टैग रैपिड, इस पर आपको सर्च करके और कुछ इस प्रकार से आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका अपना टाइटल जो है वो पेस्ट कर देना है। टाइटल पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जितना भी दिखाई देगा वही आपको जैसे ऊपर से 5 या 10 जितना टैग में लगे वो यहाँ से लगा देना है, और डिस्क्रिप्शन में भी सही प्रकार से लगा देना है और कॉमा नहीं देना है, वरना स्ट्राइक उस्ट्राइक आ सकता है। जो रहेगा बस इतना ही करके वीडियो को पब्लिक कर देना है। एक टाइम पे शेड्यूल करके रखना है वीडियो को, एक लिमिट से वीडियो डालना है। उसके बाद आपको हम बता दें कि कुछ इस प्रकार से अगर आप वीडियो को डालते हैं, अगर प्रति रोज या फिर एक दिन दो दिन बीच करके भी अगर डालते हैं, यानी कि गैपिंग करके, फिर भी आपका वीडियो है ग्रो हो जाएगा। अगर ऐसे करके अगर 500-600 वीडियो डालेंगे तो कोई ना कोई वीडियो आपका ग्रो हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही है, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फेस कैन वीडियो हम बहुत जल्दी लाएंगे जो कि हमारे पास सेटअप हो जाएगा उसके बाद।